औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर एक स्थित सिंथोकेम प्राइवेट लिमिटेड ने आज रविवार सुबह से ही केमिकल युक्त पानी खुले में बहाया, जबकि इस प्रकार के केमिकल के अवशिष्ट खुले में फेंकने की बजाय जहरीले अवशिष्ट नष्ट करने वाले उद्योग को नष्ट करने के लिए देना चाहिए। लेकिन नष्ट करने के लिए आर्थिक खर्च होता है। आर्थिक खर्च को बचाने के लिए खुले में केमिकल फेंका गया। हमारे प्रतिनिधि वीडियो बनाने लगे, तभी आनन फानन में पानी ढोलकर नष्ट करने का प्रयास किया गया। संबंधित कंपनी के अधिकारी अर्जुन चौहान से बात करनी चाहिए तो कहने लगे कि हमारे कारखाने में वेल्डिंग कार्य होना है, इसलिए कारखाने को धोया गया ताकि कारखाने में आग न लग सके। मालिक या वरिष्ठ अधिकारी के नंबर या बात कराने को कहा तो ना बात करवाई ना ही संपर्क नंबर दिए, वहीं दाएं बाएं कर चुपचाप निकल गए। अवकाश के दिन का फायदा उठाकर कारखाने से सटे नाले में केमिकल युक्त पानी निरंतर फेंका जाता है। इस प्रकार की इंडस्ट्रीज की करतूतों से औद्योगिक क्षेत्र का जल स्तर और वायु खराब कर रहे हैं। अब यह देखा जाए कि प्रशासन कार्यवाही करता है या दिल्ली की तरफ पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को तबाह करेंगे। पीथमपुर से संजय सोनग्रह की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।